स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 12 फरवरी से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी आपकी सितारों की चाल। आपके सितारों की चाल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आपका भविष्य पूरे अगले सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से, बात करते हैं कैसी रहेगी मेष राशि की दशा 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। पंडित जी, मेष राशि। मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में मेष राशि वालों के दशम भाव में सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं, ऐसे में कार्य आपके बनेंगे, आपको नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके नवम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है सप्ताह के शुरुआत में राहु के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पिता के लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा पिता के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए मसूर की दाल का दान कर दें मंगलवार के दिन, तो आपके पिता का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो मेष राशि वालों को सलाह है कि मंगलवार के दिन वो मसूर की दाल का दान करें तो उन पर जो कठिनाइयां आने वाली हैं इस सप्ताह उनसे उनका निवारण होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, उसके लिए आपको अगर कुंडली की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएँ। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह के शुरुआत में कुछ आर्थिक झंझटों का सामना करना पड़ सकता है, इसके साथ साथ विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाई जो भी काम इस सप्ताह कर रहे हैं उन समस्त कामों में सफलता मिलेगी, कृषि संबंधी समस्त कार्य उनके अच्छे से निपट जाएंगे, इस सप्ताह कोई कठिनाई कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सप्ताह माता महालक्ष्मी के मंदिर में खीर का प्रसाद बना करके समर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों को सलाह है कि वो इस सप्ताह माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, उनको भी अपनी समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की, जानते हैं क्या कहते हैं इस राशि के सितारे इस सप्ताह। पंडित जी, मिथुन राशि का भाग्य कैसा रहेगा इस सप्ताह? मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में चूंकि तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसलिए समस्त प्रकार की महत्वाकांक्षा इस सप्ताह आपकी पूरे होने के प्रबल योग बने हुए हैं। व्यापार में जो आप निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं वो सारे प्रयास आपके फलीभूत होने वाले हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आएगा और जो बदलाव होगा वो काफ़ी सकारात्मक होगा। हाँ, इस सप्ताह आपको सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए और भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये दो उपाय करने से आपका सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत सुंदर बीतेगा। अभी आपने कहा मिथुन राशि वालों के लिए सफेद तिल का दान, काले तिल का दान शनि के लिए कहा जाता है, और सफेद तिल का दान? देखिए, वैसे तो सफेद तिल का दान किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन खास करके वृषभ, तुला, मिथुन, मतलब जो शुभ ग्रह की राशियां हैं, शुभ ग्रहों की राशि वाले लोग यदि सफ़ेद तिल का दान करें तो उनके लिए श्रेयस्कर होता है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा। खास करके अभी चूंकि माघ महीना बीता है पीछे, तो माघ महीने में विशेष रूप से तिल का दान किया जाता है, नहीं तो किसी भी दिन आप जो है आप अपने राशि वार के दिन दान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मिथुन राशि के लिए सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की, क्या कहते हैं इस राशि के सितारे इस पूरे सप्ताह, कैसा रहेगा इनका भाग्य ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए क्या सलाह है इस सप्ताह?
कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपका व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु के साथ है, इसलिए व्यापार को चलाने के लिए कुछ बाहरी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, अर्थात कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, वो व्यापारिक कर्ज है, जैसे लेंगे वैसे चुका देंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी सुखद रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। अब आपको दो उपाय बता देता हूँ। शुभ उपाय आपको ये करना है, सोमवार के दिन जो कि आपका राशि वार है, उस दिन भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप पे दूध अर्पित करना है। दूसरा, आप भगवान शिव का ही मंत्र ओम नमः शिवाय भी यथासंख्या जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मीठे दूध का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य पड़ेगी। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्यक्रम में कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप अपना नाम, उसके साथ स्थान और अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की राशियों के साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके पूरे सप्ताह का हाल सितारों के मुताबिक कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं 12 फरवरी से 18 फरवरी तक क्या कहती है आपकी राशि, आपका भविष्य कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह? सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक उलझन की स्थिति बन रही है, क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा राहु के साथ स्थित है, मतलब चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो पापग्रस्त है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, जैसे ही सप्ताह का मध्य आएगा आपका व्यापार व्यवसाय प्रगति करने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी सप्ताह के मध्य में, और आपकी खरीद बिक्री का काम बहुत ही अच्छे ढंग से चलने लगेगा। आपको दो उपाय करने हैं। पहला उपाय, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दूसरा उपाय क्या करना है, किसी अस्पताल में मरीजों को कुछ फलों का दान कराएं, इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके पास कोई भी रोग नहीं आएगा। सिंह राशि वालों को सलाह है कि इस सप्ताह आप मरीज को फल का दान करें, विपत्तियों से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, तो हम सोचते हैं कि क्या पहने, लकी क्या रहेगा हमारे लिए आज, शुभ रंग कौन सा रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि दिनों के हिसाब से सबके लिए कौन सा शुभ रंग हो सकता है किस दिन। पंडित जी, शुभ रंग की अगर बात करें तो सोमवार से रविवार तक सभी के लिए, राशि के मुताबिक नहीं, एक कॉमन सबके लिए, किस दिन कौन सा रंग शुभ हो सकता है पहनना? बिल्कुल सही प्रश्न है कि हर इंसान को ये जानना चाहिए कि उसको हानि ना हो, इसके लिए वो क्या क्या उपाय कर सकता है, जैसे कब घर से निकलना है और क्या पहन के निकलना है, ताकि आपका इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़े। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रविवार के दिन की। मान लीजिए किसी फंक्शन में जाना है, कहीं ऐसे ही जाना है, कोई कैजुअल मीटिंग ही है अगर संडे के दिन, तो उस दिन आप लाल रंग का प्रयोग करें। लाल, गुलाबी, मैरून, मतलब लाल रंग के टोन के आप वस्त्र का प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। या यूं कहें, लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा जी। दूसरा दिन है सोमवार। सोमवार चंद्रमा का दिन है, चंद्रवार है, इसलिए सोमवार के दिन आप श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, सफ़ेद रंग की शर्ट ही पहन के घर से निकलें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में आती है भौमवार, मंगलवार। तो मंगल का भी रंग जो है वो रक्त वर्ण है, लाल रंग है, तो आप मंगलवार के दिन लाल रंग का प्रयोग करें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बारी आती है बुध की। बुध का रंग जो है वो हरा है, तो हरे रंग का प्रयोग यदि आप करते हैं बुधवार के दिन कपड़े में या किसी भी चीज़ में जो आप प्रयोग करना है, जहां रंगों के चयन की बात आए, तो आप हरे रंग का बुधवार को दिन प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गुरुवार के दिन पीले रंग का, शुक्रवार के दिन सफ़ेद दुधिया क्रीम, ये शुक्र के रंग हैं। शुक्र एक व्यापक शब्द है, कई जगहों में अलग अलग अर्थ शुक्र का लिया जाता है, तो शुक्र का जो रंग है वो दुधिया है, क्रीम है, सफ़ेद है,
तो आप जो है शुक्रवार के दिन इन रंगों का प्रयोग करें। शनिवार के दिन वैसे शनि का रंग तो काला होता है, लेकिन शनिवत राहु, शनि के जैसे ही राहु को भी माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए राहु का रंग जो नीला होता है उसका भी प्रयोग आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। यानी शनिवार के दिन आप काले रंग की शर्ट, काले रंग के वस्त्र या नीले रंग की शर्ट आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आसमानी रंग का भी प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि नीला रंग जो है वो आसमान का भी होता है, मेघवर्ण कहा जाता है। तो नीले रंग का जो प्रयोग है, काले रंग का प्रयोग वो शनिवार के दिन करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और जो भी काम आपके बनने वाले हैं, नहीं बन रहे हैं, वो सारे काम आपके बन जाएंगे इस वस्त्रों के चयन से वार के अनुसार। यानी कह सकते हैं कि हर दिन का संबंध ग्रह से है और ग्रह के मुताबिक ही आपको रंगों का चयन करना चाहिए दिनों के लिए। देखिए स्मिता जी, ग्रही राज्य प्रयच्छन्ति ग्रही राज्य हरन्ति च, मतलब कि ग्रही राज्य देते हैं और ग्रही आपसे आपका राज्य सुख छीन लेते हैं, इसलिए यह तस्मात जगत जो है यह ग्रह के अधीन है। तो ग्रह के अधीन है तो सारी चीज़ें ग्रह के अधीन है। शायद पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं व्यापक औषधियों पे, वनस्पतियों पे। तो इस सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सबका संबंध ग्रहों से ही है, ग्रह से ही प्रेरित होती हैं, उनके प्रभाव में रहती हैं, उनके अनुसार ही वो आचरण करती हैं, उनका स्वभाव गुण तरीका सारी चीज़ें उस ग्रह के ही अधीन आती हैं जिस ग्रह की वो वस्तु होती है। मानव जीवन की विपत्ति और तरक्की सब ग्रहों पर ही निर्भर है, कह सकते बिल्कुल एक लाइन की और अंतिम सत्य यही है जी। मतलब कि जो कुछ होना है वो ईश्वर के अधीन है और ईश्वर खुद नहीं करता, उसके लिए एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में ग्रह की भूमिका सबसे बड़ी है। तो ये थे 7 दिनों के लिए 7 शुभ रंग ग्रहों के मुताबिक, क्योंकि ग्रह वाकई महत्वपूर्ण होते हैं मानव जीवन में, प्रकृति के लिए सभी के लिए ग्रहों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी के जीवन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहों के मुताबिक कैसी रहेगी इस सप्ताह कन्या राशि के सितारों की चाल। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल बताएं। कन्या राशि के दर्शकों को बताऊं कि ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा ठीक नहीं है जी। उसका कारण है कि इनके द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है और द्वादश भाव खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, इसलिए थोड़ा खर्च समझ बूझ के करें, पैसों की रक्षा करें। आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की रक्षा करें। दूसरी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि लग्न भी थोड़ा सा पाप पीड़ित दिखाई दे रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हालाँ आपके लग्न में ही बृहस्पति गोचर कर रहा है, कुछ विशेष स्वास्थ्य में बाधा तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़े से संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह आप हरी मूंग का दान कर दें और बुधवार के दिन आप हरे रंग का वस्त्र अवश्य पहन के ही कहीं घर से बाहर निकलें, तो निश्चित रूप से पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीतेगा, बढ़िया बीतेगा। तो ये था कन्या राशि के सितारों की चाल कैसी रहेगी इस सप्ताह, वो पंडित जी ने आपको बता दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं सप्ताह, वो भी बताएं। तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह इनके अपने संबंध काफ़ी मजबूत होंगे अपने रिलेटिव के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, कोई इनका रिलेटिव इनकी बहुत हद तक इनकी सहायता करेगा। दूसरा, ये अपनी कार्य कुशलता से अपने सारे बिगड़े हुए कामों को मैनेज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, जिसके कारण समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इन्हें इस सप्ताह सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन 2 उपाय करने हैं। एक तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप पे शहद समर्पित करना है, शहद चढ़ाना है। दूसरा, सोमवार के दिन चावल का दान करना है। ये 2 उपाय करें, निश्चित रूप से इनका पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दान करना है आपको चावल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। जानते हैं क्या कहते हैं इस राशि के सितारे, इस पूरे सप्ताह कैसा रहेगा इनका भाग्य। पंडित जी, वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं 12 से 18 फरवरी। इस सप्ताह किसी की बात आपको इतनी बुरी लग सकती है कि आपका सहनशीलता समाप्त हो जाए, आपकी सहने की शक्ति जो है जवाब दे जाए, इसलिए अपनी सहनशीलता बनाए रखिए। इस सप्ताह 2 उपाय करने हैं। एक तो लाल रंग का वस्त्र धारण करना है मंगलवार के दिन,
दूसरा आपको गुड़ दान करना है। गुड़ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में जहाँ डेली पूजा होती हो, दोनों टाइम आरती होती हो, ऐसे किसी मंदिर में आप गुड़ का दान कराएं। ये दो उपाय करें, जिस तरह से गुड़ मीठा होता है उसी तरह से आपके जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। तो वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह गुड़ का दान करें। बाकी की चार राशियों को क्या क्या दान करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी आपको बताएंगे, साथ ही लेंगे दर्शकों के सवाल भी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सितारों के मुताबिक कैसा रहेगा आपका भविष्य पूरे सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। अगर आप इसके अलावा अपना भविष्य जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली पंडित जी से बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इन्हें अपने क्रोध एवं उत्तेजना पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वैसे ये इस सप्ताह अपने कार्य लगन की मेहनत से समस्त कार्य को सही नियत समय पे संपूर्ण कर लेंगे, मतलब उसमें सफल रहेंगे। और जो भी इनका रोजगार है वह इनको लाभप्रद होगा, अर्थात रोजगार में ये अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह इन्हें दो उपाय करने हैं, एक तो दही चावल का दान करना है और दूसरा अपने माथे पे जब ये घर से कहीं बाहर निकलना यात्रा कर रहे हैं तो केसर का तिलक लगाना है। यदि केसर घर में उपलब्ध नहीं है तो हल्दी का ही तिलक आप लगा करके घर से यात्रा करें, निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो धनु राशि के सितारों की चाल क्या कहती है पंडित जी ने आपको बता दिया, और आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है फरीदाबाद से उर्मिला जी का, ये अपने पोते के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पोते का नाम है वृतांत और जन्म की तारीख है 10 सितंबर 2009, समय है रात के 8:45 बजे का और स्थान है फरीदाबाद का। इनका पोता बीमार बहुत रहता है, खांसी की समस्या उसे बहुत ज्यादा रहती है, कब तक ठीक होगा, क्या ग्रहों की चाल है? वृतांत की जो आपने डिटेल बताई है 10 सितंबर 2009 रात के 8:45 पे, ऐसे में मेष लगन की कुंडली बन के तैयार हुई और जन्म राशि है वृषभ, और ऐसे में चंद्रमा की ही महादशा चल रही है और चंद्रमा इसका है तो उच्च का लेकिन द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे मारक स्थान में बैठने के वजह से फेफड़ों को तकलीफ देता है, मतलब सांस लेने की जो यंत्र शरीर में लगे हुए उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस बच्चे को सांस कास की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा यह 14 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा इसके इस प्रकार के समस्त रोगों का शमन हो जाएगा, अंत हो जाएगा, इस प्रकार का कोई भी रोग फिर इसे जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। चूंकि अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा में शनि का अंतर है, शनि भी छठे भाव में बैठा है रोग के स्थान में, यूँ कह लें कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो मारक स्थान में बैठा चंद्रमा उसकी महादशा, दूसरे रोग स्थान में बैठा शनि उसकी अंतरदशा, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है इसके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 14 वर्ष का आयु पूर्ण करेगा बच्चा ये स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या इसको नहीं रहेगी। जी तो उम्मीद करते हैं उर्मिला जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ग्रहों की चाल है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएंगी और आपका पोता ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। जानते हैं क्या कहते हैं मकर राशि के सितारे इस सप्ताह। पंडित जी मकर राशि का राशिफल भी बताएं। मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा इन्हें मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बुधवार आएगा बुधवार से बिल्कुल मानसिक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, जो मानसिक चिंता है वह भी समाप्त हो जाएगी। और खास करके ये चिंता इनकी अपने जीवन साथी को लेकर के रहेगी, तो जो समस्या है चिंता है वो बुधवार के दिन से दूर हो जाएगी। और जो लोग नौकरी पेशे में हैं, जिनकी पदोन्नति रुकी हुई है काफ़ी समय से, इस सप्ताह उन्हें अपने नौकरी में पदोन्नति की भी प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। इस सप्ताह मकर राशि के दर्शक भगवान शिव की आराधना करें, दूसरा काले तिल का दान करें, ये दो उपाय करें तो निश्चित रूप से मकर राशि के दर्शकों का ये पूरा सप्ताह सुंदर और अच्छा बीतेगा। तो मकर राशि वालों को शिव जी की आराधना करनी है और काले तिलों का दान करना है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है पंडित जी की, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं इस सप्ताह? कुंभ
कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं, कुंभ राशि के दर्शकों का ये पूरा सप्ताह बहुत अच्छा बीतने वाला है। जैसा कि 27 जनवरी के बाद शनि अपने गोचर से धनु राशि में प्रवेश कर गया है। धनु राशि में प्रवेश करने के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आने वाला है। इन्हें कहीं नया काम मिले, नए आय के स्रोत बनेंगे। इसके साथ साथ इनके परिवार में भी मांगलिक कार्यों का आयोजन होने वाला है इस सप्ताह। इसलिए कुल मिलाकर के कुंभ राशि के दर्शकों का ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इन्हें दो उपाय करने हैं। एक तो इस सप्ताह शनिवार के दिन हो सके तो एक पाठ सुंदरकांड का आप अवश्य कर डालें। सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ ही प्रातःकाल शनिवार के दिन समी के वृक्ष को जल देवें। ये दो उपाय करें, निश्चित रूप से आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। तो शमी के वृक्ष को आपको जल देना है, साथ ही सुंदरकांड का करना है पाठ। चलिए बात करते हैं अगली राशि, अंतिम राशि मीन राशि की। जान लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि के सितारे 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल भी बताएं। मीन राशि के लोगों का यह जो सप्ताह है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और इस सप्ताह इनकी कोई बड़ी ख्वाहिश, बड़ी मनोकामना जो काफ़ी पीछे दिनों से चली आ रही थी, अधूरी थी, वह अवश्य पूर्ण होगी। और इन्हें एक अच्छा समाचार मिलेगा संतान पक्ष से। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सम्मिलित हो रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही थी, इस सप्ताह उन्हें सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। इस सप्ताह आप दो उपाय करिए। एक तो आप किसी ज़रूरतमंद गरीब बच्चे को जिसकी शिक्षा बाधित हो रही है, आप उसकी शिक्षा पूर्ण कराने की व्यवस्था कर दीजिए। उसके हेतु कुछ उसकी आर्थिक सहायता कर दीजिए या कुछ पुस्तक उसे आप दिला दीजिए, खरीद के दान कर दीजिए। दूसरा, आप भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करिए, विष्णु मंत्रों का जप करिए या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए। तो ग्रह गोचरों और सितारों की चाल के मुताबिक कैसा रहेगा आपका भविष्यफल पूरे सप्ताह पंडित जी ने आपको बता दिया है। सलाह और उपाय भी राशियों के मुताबिक पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। लेकिन अगर आप कार्यक्रम में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कुंडली के लिए संपर्क कर सकते हैं। सवाल के लिए आप हमें अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर व्हाट्सएप के नंबर पर भेज सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769577049। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0114601609 और 4601605। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com।